अस्सलामुअलैकुम, आप लोगों के साथ फिर हाजिर हूँ। आज बोरियत हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। क्वारंटाइन डेज हैं, शदीद बोरियत के दिन हैं, दिन गुजर ही नहीं रहा है। आइडिया आया जहन में, चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चने की दाल का हलवा बनाते हैं, आइए। ठीक है, दाल को हमने 2 घंटे के लिए सोक कर दिया। जब दाल सोक हो गई है तो उसके बाद हमने 1/2 ही लीटर दूध लिया और दूध के साथ दाल को बॉईल कर रहे हैं। आप ये देखिए, जिस वक्त ये दाल गल जाएगी, इसका अगला प्रोसेस जो होगा वो दाल गलने के बाद होगा। ये देखें, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक इसमें, सिर्फ दूध में दाल उबल रही है। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, मेरा तो पॉट थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने इजीली इसके ऊपर ढक्कन रख दिया। अदरवाइज दूध है, अगर आप इसको कवर करोगे तो दूध बॉयल होके बाहर की तरफ आता है, तो थोड़ा सा बड़ा पॉट लीजिएगा ताकि इजी रहे आपको। बस अब ये दाल मेरी जो है वो गलने वाली है, जैसे ही ये दूध खुश्क होगा। हाँ जी, देखिए ये देखिए, दाल ऑलमोस्ट गर्म बहुत है ना, अल्लाह ये देखें, खाई लेती गर्म है। पानी, दूध जो है इसका खुश्क हो चुका है और दाल, ये देखिए दाल गल चुकी है। अब हमने इसको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हमने इसको चॉपर में डालकर और पीस लेना है अच्छी तरह से इस दाल को। ये देखिए, ये दाल इसके अंदर पिस रही है। दाल डालूँ पहले मैं? अच्छा, बहुत ज़्यादा ड्राई कर दी थी ना, तो वो पीसने में बड़ा मसला होता है, इसलिए देखिए। और मैंने दोबारा बता दूँ एक दफ़ा, 1/2 किलो दाल है भीगी हुई, जिसको मैंने 1/2 किलो दूध में ही बॉईल किया है और बॉईल करके गला लिया है दाल को। गलाने के बाद अब मैं इसको पीस रही हूँ। देखिए दाल हमारी सारी पिस चुकी है। देखें, सारी दाल हमारी पिस गई है। अब जो मरहला है ना इसका, भुनाई का, बहुत ही पेशेंस जिनके पास हो वो इस हलवे को बनाने की कोशिश करें, अदरवाइज़ थक जाते हैं लोग। और थक के फिर ये है कि सही लगता नहीं है, तेज़ आंच पे भून लेते हैं। अच्छा, अब इसके लिए मैंने आपको बताया था 1/2 किलो दाल थी हमारे पास, जिसको हमने सोक कर दिया था अबाउट 2 आवर्स के लिए। उसके बाद हमने 1/2 लीटर दूध लिया है, दूध के अंदर हमने दाल को अच्छी तरह से गला लिया। जब दूध खुश्क हो गया दाल के अंदर, तो हमने इस दाल को पीस लिया। और आप ये देखिए कितनी सख्त, कोई पिलपिली नहीं है, कुछ नहीं है, कितनी सख्त दाल है ये पिसी हुई। ठीक है, इसके लिए 1/2 किलो दाल के लिए चाहिए है हमें 1 प्याली घी। ठीक है, हमें चाहिए है 1 प्याली घी। अच्छा, हम घी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ सारा घी नहीं डालेंगे। ठीक है, अभी हमने डाला है इसके अंदर 1/2 घी। अच्छा, इसके लिए हमें, क्योंकि मैं इसको बहुत रिच बनाती हूँ, तो उसके लिए 1 प्याली मैंने फुल क्रीम खुश दूध जो है, ड्राई मिल्क फुल क्रीम जो है वो मैंने लेके रखा हुआ है। और इसके लिए मैं नीडो ही यूज़ करना बेहतर समझती हूँ, मैं नीडो यूज़ कर लेती हूँ इसके अंदर। ठीक है, नीडो है, इसके साथ थोड़े से बादाम होंगे, किशमिश होंगी, किशमिश है 1 कटोरी, और ये इलायची, 4-5 दाने इलायची के मैंने पीस के रख लिए हैं। बादाम अभी मैं आपके सामने कट करूँगी। ये देखिए बादाम भी मैं जल्दी जल्दी कट कर लूँ, मोटा मोटा गर्म, मोटा मोटा ही अच्छा लगता है, इसके अंदर बहुत बारीक बारीक। बादाम है, बादाम कट हो रही है। अच्छा, अब इसके लिए ये 2 तरह से लोग बनाते हैं। अब आपने देखा, मैंने चूंकि दाल को बहुत ज़्यादा ड्राई मैंने पीसा है, तो इसके लिए मुझे चीनी का शीरा बनाना है। शीरा के लिए जितनी दाल है उतनी ही चीनी हम यूज़ करेंगे। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप थोड़ी कम चीनी भी ले सकते हैं। मैं क्योंकि मीठा सही बराबर का मुझे मीठा पसंद है, इस वजह से मैं जो हूँ वो बराबर की चीनी यूज़ करती हूँ। अच्छा, अब मसला ये है कि अब अगर हम इसको, अब हमें इसके बनाने हैं छोटे छोटे टुकड़े टाइप में, इसकी बनाऊँगी पतलियाँ जो बनती हैं दाल के हलवे की। अच्छा जी, चीनी ले ली मैंने, मैं इसके लिए बनाऊँगी शीरा। बहुत गाढ़ा नहीं बनेगा, ये मेरी 1/2 किलो चीनी है, तो मैं इसके अंदर 1 कप से भी कम पानी डाल दूंगी। ठीक है, चीनी मैंने इसके अंदर डाल दी है और अब चीनी को जस्ट हमें डिसॉल्व करना है, कोई तार नहीं बनाना, कुछ नहीं करना है। ठीक है, बहुत हल्की आंच के ऊपर हम इसको चूल्हे पर रख देंगे और इसको हम बनाना शुरू करेंगे। और प्लीज़ ये देखिए, भुनाई हो रही है इसकी।
आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे धीमी आंच के ऊपर, आंच आप देख सकते हैं कितनी धीमी आंच है, इससे ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है आपने। और ऐसी कोई ऐप नहीं है जिसमें आपको खुशबू भी आ सके, आप सिर्फ शक्ल देख सकते हैं, चीज़ की खुशबू महसूस नहीं कर सकते। ये जो पका रहा है ना वही महसूस कर सकता है कि कितनी सोंधी सोंधी खुशबू इसमें से उठ रही है, क्योंकि हमने इसको दूध में उबाला था। कुछ लोग पानी में भी उबाल लेते हैं, पानी में उबाल के ये है कि भुनाई बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसानी से भुनता है पानी में उबालने के बाद। लेकिन वो जो एक टिपिकल एक वो होता है ना अरोमा जिसको कहना चाहिए खाने का, वो इसमें दाल के हलवे में, चने की दाल के हलवे में जब आप दूध में उबालते हैं ना तभी आपको वो एक अरोमा जो है वो महसूस होता है। बहुत ज़बरदस्त फील आ रही है, इतना अच्छा अरोमा है कि बस दिल कर रहा है अभी बगैर चीनी मिला ही बंदा खा ले, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, इस जब तक हमारी भुनाई हो रही है, ये देखें आपने कोई भी थाल लेकर जिसमें आपने हलवे को जमाना है उसमें आपने उसको अच्छी तरह से, अच्छा बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जी ग्रीसिंग ब्रश हो उसी से आप ग्रीस कर सकते हैं, ऐसी कोई कहानी नहीं होती है, आप हाथ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप टिशू लेकर टिशू से भी आप अच्छी तरह से ग्रीस कर सकते हैं। मैंने इस वक्त टिशू यूज़ किया है, टिशू से मैं ग्रीस कर रही हूँ, ग्रीस करने के लिए भी मैं घी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ट्रेडिशनल मीठे जो होते हैं वो ऑयल में इतने अच्छे नहीं बनते जितना अच्छा घी में, इनका फ्लेवर जो है वो घी में ही इन्हेंस होता है। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आप लोग जब भी ये ट्रेडिशनल मीठे आप बनाएं तो प्लीज़ उस वक्त आप थोड़ा सा क्या कहना चाहिए अपनी डाइटिंग को साइड पर रख दें, ऑयल के बदले आप घी यूज़ करें, क्योंकि ये ऐसे हैं मीठे जो ये रोज़ रोज़ तो बनते नहीं हैं, कभी कभी बनते हैं और बहुत ज़्यादा खाए भी नहीं जाते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा रिच ही बनाएं इनको तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने दूध डाला है ड्राई मिल्क, ड्राई मिल्क डालकर मैं इसको वापस भून रही हूँ बहुत अच्छी तरह से, बहुत मुश्किल हो रही है भूनने में, बहुत टाइट हो रहा है ये, लेकिन पतला इसको कर नहीं सकते ज़्यादा, फिर इसकी टिक्कियाँ बनेंगी नहीं, जो हम इसकी बर्फ़ी बनाना चाह रहे हैं वो बन नहीं पाएगी, इसलिए बहुत मेहनत लगती है। ऑलमोस्ट तकरीबन 25 मिनट मुझे हो रहे हैं इसको भूनते हुए। अब इसके अंदर शीरा डालूंगी, ये देखें मजाक मत उड़ाइएगा क्योंकि पतीले का हैंडल जो है वो टूट चुका है और अभी दूसरा पैन भी नहीं आ सकता है और हैंडल भी नहीं हो सही हो सकता है बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है, तो बर्दाश्त कीजिए बर्दाश्त कीजिए, कुछ नहीं होता। चलें जी अब इसको, अब आपको ये देखने में लग रहा होगा अल्लाह इतना पतला हो गया, फिलहाल आपको लग रहा है थोड़ी देर में ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। अभी इसमें देखिए आपको लम्स भी लग रहे होंगे, अब हम ये लम्स कर रहे हैं इनको सही, देखें अब ये सिमटना शुरू हो गया, कितना पतला था जिस वक्त हमने शीरा डाला था नोट किया था आपने, अभी ऑलमोस्ट डन हो गया है बिल्कुल, ये देखें कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी बन गई है, सिमट रहा है सारा, पतीली के किनारे छोड़ दिए हैं इसने, बीच में आ रहा है सब, अब ये हमारा बिल्कुल रेडी है डिशेस में निकालने। अब मैं और निकालने के बाद ही फिर इसके ऊपर मैं गार्निश, ये देखें आपके सामने बिल्कुल चूल्हा बंद करने के बाद मैंने इसमें रेजिन्स ऐड की हैं, किशमिशें ऐड कर दी हैं, किशमिशों को चूँकि पकाना नहीं है इसलिए चूल्हा बंद करने के बाद ऐड की हैं हमने, देखें सब सिमट रहा है, सिमट के एक जगह आ रहा है और अब जनाब ये जाएगा जमने के लिए थाल में, थाल को हम ऑलरेडी पहले ही आपके सामने ग्रीस कर चुके हैं, बहुत मेहनत तलब काम है, प्लीज़ बहुत मेहनत से हिम्मत से और सब्र से ये हलवा बनाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो ज़रूर है बट फिर रिज़ल्ट भी तो बहुत अच्छा सा आपको मिलता है ना। देखें कैसे अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है जमने के लिए, कितना अच्छा ये निकल रहा है, ये देखें इधर, ये देखें ये मैं इसमें डाल रही हूँ, ये भी खुद ही सेट हो जाएगा, निकाल दूँ पहले मैं सारा फिर मैं उनको सेट करती हूँ। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों ने देखी होगी, चने की दाल का हलवा, और आप इसको ट्राई भी करेंगे और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा, काइंडली कमेंट करके बताइएगा कि आपने बनाया तो आपको कैसा लगा और आपसे कैसा बना। काश मेरे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी होती जिससे मैं आप लोगों को ये टेस्ट भी करवा सकती ना कि ये कितने मज़े का बना है।
लेकिन क्या है, खैर कोई बात नहीं, मैं टेस्ट कर लूँगी, मैं आप लोगों को बता दूँगी कि कितने मज़े का है। कुछ नहीं होता, दिल ख़राब ना करें ना, ख़ुद बना लीजिएगा, खुद बनाइएगा, मेहनत कीजिएगा थोड़ी सी, इंशाल्लाह उसका फल मिलेगा बहुत अच्छा सा आप लोगों को। बस अब इसको हम सेट कर रहे हैं, इसके अंदर ज़रा फैलाना है, ऐसे में गर्म बहुत है ना, हाथ चल रहे हैं ना, इसको पॉलीथीन रख के पॉलीथीन से प्रेस कर देंगे ना तो ये एक जैसा लेवल हो जाएगा। ये देखिए सेट हो गया, ये बस अब ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो उसके बाद हम इसके अंदर जो है जनाब पीसेस इसके कट कर देंगे। असल में मेरे एक बच्चे को बादाम पसंद है और एक बच्चे को ऊपर बादाम पसंद नहीं है, मैं इसीलिए दो जगह बना रही हूँ, एक में बादाम मैंने डाल दिए हैं और एक में जो है मैं बादाम नहीं डाल रही हूँ। ठीक है, सेट करना बहुत मुश्किल है लमिया, हाथ बहुत ज़्यादा जल रहा है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए आप चने की दाल का हलवा देखिए और इसको अभी सिर्फ हल्का हल्का कट लगा देंगे हम, बिकॉज ताकि तबीयत ठंडा हो जाएगा ना तो हमें मुश्किल नहीं होगी इसको उठाने में। अभी गरम गरम में आप इसके पीसेज अलग करने की कोशिश हरगिज मत कीजिएगा, अभी ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसके पीसेस अलग कर लीजिएगा, अभी जस्ट आप इसमें कट्स लगा लीजिए छोटे छोटे, वो आपकी अपनी मर्जी, आपने स्क्वायर्स काटने हैं, आपने ये वाला कट काटना है, आपने जो काटना है, आप स्टार्स बनाने हैं, आप सर्कल्स बनाने हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगी।